कृपा निर्मल मति पावऊं
सो कृपा निर्मल हमारे अवध बिहारी हम
पति महादेव की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री खाकी जी महाराज की जय। आस्थान देवता की जय। भारत वर्ष की जय। जय जय सीता। अखिल विश्व वंदनीय निर्मक निर्माता अखंड ब्रह्मांड नायक विश्व परिपालक सर्वशक्तिमान सर्वनियंता आत्मकाम पूर्ण काम लोकाभिराम नयनाभिराम बलकल वस्त्रधारी कंद मूल फलहारी श्री अवध बिहारी आत्मरंजन दुख भंजन अखिल विश्व मंच जू पर अभिनय करते हुए सगुण साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हमारे सर्वेश्वर पूर्णेश्वर जगदीश्वर समस्त सिद्धियों के अधीश्वर परम पिता परमेश्वर श्री सीताराम जी के पावन पवित्र में श्री जुगल चरणों में अहर्निश सदा सेवारत श्री रामदूत पवन पुत्र शिव सपुत्र हनुमान जी महाराज एवं श्री राम कथा के अग्र पुनेता ससंग सरोवर वैष्णवा कुलभूषण उमावल्लभ अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ तथा नित्य प्रातः स्मरणीय श्री राम नाम के तत्वदर्शी दूरदर्शी त्रिकालदर्शी समदर्शी अनंत समलमकृत मत स्वामी महिमा महामंडित महामहिम धर्म सम्राट योगियों में महायोगी योगी राज ब्रह्मनिष्ठ साकेत धामवासी सबके उर्वासी निरंतर सर्वत्र निवासी परम शरदेय श्री सदगुरुदेव भगवान तथा नित्य प्रति से राम कथा के रस रसिक धीर वीर गंभीर बुद्ध प्रबुद्ध विचारधारा के समस्त उपस्थित श्रद्धालु भावुक भक्त एवं भक्ताजन आवे हम सब अपने आप को जानने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए एक ऐसे पाठशाला में कुछ समय के लिए अपने आप को विराजमान करें मनसा वाचा कर्मणा से जिस पाठशाला में अपने ही जीवन रूपी पाठ को पढ़ने का मौका प्राप्त होता है। दुनिया की जितनी पाठशालाएं हैं उसमें किसी अन्य के पाठ का अवलोकन किया जाता है किंतु सत्संग रूपी पाठशाला में अपने जीवन रूपी पाठ को ही देखने का शब्द चित्रों के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी स्थिति वैसे है जैसे यह जंगल में एक शेरनी थी, प्यासी थी, जल की तलाश में जंगल में भ्रमण कर रही थी, सरोवर की खोज कर रही थी। हवा के द्वारा उसको पता लगा कि इस छोटी से पहाड़ी के उस पार एक सरोवर है। शेरनी थी, रास्ता खुद बनाना जानती थी। कुछ कदम पीछे हटकर छलांग लगा दी पहाड़ी को पार करने के लिए। शेरनी तो छलांग लगाकर छोटी सी पहाड़ी को पार कर गई, लेकिन संयोग वश उसका गर्भस्थ बच्चा पहाड़ी के इस पार ही गिर गया।
और शेरनी का गर्भस्थ बच्चा जब पहली बार धराधाम पर अपने को पाया तो भेड़ों के समूह में पाया। उसी समय भेड़ के समूह वहां से गुजर रहे थे, बाएं दाएं इर्द गिर्द आगे पीछे भेड़ ही भेड़ भेड़ ही भेड़। शेरनी का बच्चा शेर जैसे भेड़ फुदकते हैं वैसे फुदकने लगा, जैसे भेड़ मेमी आते हैं वैसे वो भी मेमी आने लगा। कुछ ही दिन के बाद एक शेर भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए शिकार के तलाश में घूम रहा था। दूर से भेड़ों का समूह शेर को दिखाई दिया। दबे हुए पांव से छलांग लगाते हुए प्रयास किया कि भेड़ों के समूह में से एक भेड़ को पकड़ लें, लेकिन पंजे की आहट की आवाज भेड़ों के कान में आई, भेड़ भागने लगी। नजदीक शेर आया तो देखा दुनिया का आठवां आश्चर्य कि भेड़ के समूह में एक नवजात शेर भी भाग रहा है। और जोर से छलांग लगाया, शिकार को पकड़ना भूल गया, भेड़ को छोड़कर उस नवजात शेर को ही अपने पंजों में पकड़ लिया और जकड़ लिया। जो ही पकड़ा वो शेरनी का बच्चा नवजात शेर आलाप बिलाप कलाप क्रंदन करने लगा, रोने लगा, कहा मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरा प्राण न लो, मेरे संगी साथी सब आगे निकल गए, मुझे छोड़ दो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। शेर ने कहा कि तू भेड़ नहीं शेर है, शेर नहीं माना। बार बार रो रो कर जब निवेदन किया तो अब बुढ़ा शेर उस नवजात शेर को अपने पंजों में पकड़कर जकड़कर घसीटता हुआ एक कुएं के ऊपर लाया, सरोवर के ऊपर लाया और अपनी आकृति दिखाकर जल में कहा कि देख, जल में जैसी मेरी आकृति है ना वैसी तेरी भी आकृति है, जैसा मेरा चेहरा है वैसा तेरा भी चेहरा है, जैसा मेरा रूप है वैसा तेरा भी रूप है। तू भूल जा कि मैं भेड़ हूं, अरे देख मैं दहाड़ मार सकता हूं, तू भी प्रयास कर दहाड़ने का। दो चार बार दहाड़ मारा बूढ़ा शेर, नवजात शेर को प्रयास करवाया, एक बार तो प्रयास कर, दो बार प्रयास कर। बार बार प्रयास करने के उपरांत नवजात शेर ने जब प्रयास किया तो मेमियाना छोड़कर दहाड़ना वो भी शुरू कर दिया। अब उसको अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, आभास हुआ कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं। ठीक उसी प्रकार बूंद परत बाढ़ा बैर पानी जनु जीव ही माया लपिटानी, जनु परत बाढ़ा बूंद पानी बूंद परत मुदान पटानी, भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपिटानी। आकाश मंडल से जब बारिश का बूंद चलता है और उसको किसी पात्र में रोक लीजिए तो बिल्कुल स्वच्छ रिफाइन जल, बिल्कुल साफ जल मिलता है आपको, लेकिन वही जल यदि धूल से अपना संग कर लेता है, धूल से स्पर्श हो जाता है तो वह जल नहीं रह जाता, वह कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भी स्थिति है, जब तक माया में नहीं पड़े हैं तब तक हम, लेकिन जो ही हम धराधाम पर आते हैं जनु जी वही माया लपटानी, बस रूप में फंसकर स्वरूप को हम भूल जाते हैं। सत्संग और कुछ नहीं करता, कथा और कुछ नहीं करती, महापुरुषों की गाथा और कुछ नहीं करती, आपके अंदर के पुरुषत्व का जागरण कराती है, नरपुंगव का निर्माण कराती है। बस पुरुषत्व सोया हुआ है हमारे अंदर, उसकी जागृति
सत्संग और कथा से नरपुंगव है, बस थोड़ा सा सत्संग रूपी सिंचाई हो जाए उसमें अंकुरण हो जाता है। परमात्मा हर जगह है इसमें संदेह नहीं है, लेकिन अव्यक्त है। किसके अभाव में? प्रेम के अभाव में। जहां प्रेम होता है, जहां त्याग होता है और जहां समर्पण होता है, वहीं पर परमात्मा सर्वत्र से एकत्र हो जाता है। जो जगत का पिता है वो पुत्र बन जाता है, जो सर्वत्र है वह एकत्र होकर, जो अव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, जो उर्वासी है वो उदरवासी बन जाता है। जो जगत का पालक है वो आज दशरथ के घर बालक बन गया। आवे हम सब मनसा वाचा कर्मणा से चले वहां जहां। अति कलिपावना अवतार तुलसीदास जी महाराज की लेखनी हमको लेके चल रही है। बड़ी सुंदर शब्द चित्रों की झांकी, केवल मानस पटल पर अंकित करने ही लायक नहीं है, बल्कि हृदय में भी हृदयंगम कराने लायक और स्वयं को करने लायक है। बड़ी सुंदर झांकी है। अयोध्या में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के अंगना में चार चार पलना है, और चारों पलना में एक एक ललना खेल रहे हैं। बड़ी भीड़ है, अपार भीड़ है। सखियां बधैया गा रही है, बधैया बाजे अंगने में, बधैया बाजे आंगने 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 में। राम लक्ष्मण भरत शत्रु शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, झूला झूलत पालने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। और क्या हो रहा है आंगने में? चारों लल्ला झूल रहे हैं, राजा और रानी रत्न लुटावे, राजा और रानी रत्न लुटावे, राजा और रानी रत्न लुटावे, राजा लुटावे। नहीं कछु लाज मांगने में, जय हो भैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, ओरत
तानन रांगने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। केवल गाना और बजाना ही नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा था? अरे प्रेम भरी प्रमदा गन नाचे, 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 नूपुर बांध पायने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। और क्या हो रहा था? केवल गाना और केवल बजाना और केवल नाचना ही नहीं हो रहा था उसके साथ। अरे नेव छावर श्री राम लला जुकी, नेव छावर श्री राम लला जुकी, नेव छावर श्री राम लला जय हो, नेव छावर श्री राम लला जुकी, लियो लियो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या में एक दिन नहीं मनाया गया, जानते हो कितना दिन मनाया गया? एक महीना। क्यों मनाया गया? इसलिए कि आज का दिन 12 घंटे का नहीं हुआ है, आज का दिन एक महीने का हुआ है। क्यों? राम जी के बाल रूप का दर्शन करते करते सूर्य भगवान आगे चलने की गति को ही भूल गए।
हमारे राम जी जो जगत के पालक हैं, आज दशरथ के घर अयोध्या में बालक बने, इतने सुंदर हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मर मन जान कोई अरथ समेत रवि था के ठहर गए, लेकिन मर मन जान कोई इस रहस्य को कोई जाना नहीं। क्यों? आप देखे होंगे, अनुभव हुआ होगा आपके जीवन में, दुख की घड़ियां बड़ी लंबी होती है और सुख के समय बड़े छोटे होते हैं। सुख का समय कब निकल जाता है, आनंद का समय कब गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। लेकिन यदि कोई आपत्ति विपत्ति और संकट का समय आ जाए, एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत होता है। राम जन्म के बधैया में एक महीने का दिन हुआ है, सारे लोग दर्शन किए, एक आदमी सूक्ष्म रूप में आया शिकायत लेके राम जी के पास, पलने में झूल रहे हैं राम जी। उस शिकायतकर्ता का नाम क्या था? चंद्रमा। कोई ऐसे देवी देवता नहीं थी, कोई ऐसे तीर्थ नदियां नहीं थी जो राम जी का दर्शन नहीं कर रही थी, बस एक चंद्रमा बेचारा अभागा था। और राम जी के पास आया, बोले राघव। बोले हाँ। बोले मैं इतना अभागा हूं? बोले क्यों? बोले मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। बोले आ जाओ, कौन रोका है? भाई राम जी का दर्शन आज तक कोई वर्जित का साइने बोर्ड नहीं लगा है, जिसका मन आ रहा है वही आ रहा है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? बोले वाह प्रभु वाह, अच्छा आप मजाक कर रहे हो? बोले मैं मजाक कहां कर रहा हूं भाई। बोले ये सूर्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा चंद्रमा कैसे आएगा? ये जब तक सूर्य रहेगा, जब तक प्रकाश रहेगा अंधेरे का मजाल है आ जाए, जब तक दिन रहेगा रात्रि कैसे आएगी? बोले तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले आदेश करो, मैं जानता हूं आपके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है, आप आदेश करो इसको बढ़े आगे। राम जी ने कहा क्षमा करना, अभी आज ही तो जन्म लिया हूं और आज ही यदि सूर्य को आदेश करने लग जाऊंगा तो ये कौशल्या क्या समझेगी, ये अयोध्यावासी क्या समझेंगे कि जो लल्ला हुआ है वो बालक नहीं है, ये तो जगत का पालक है। बोले प्रभु तो फिर मेरा हिसाब कैसे होगा? भगवान ने कहा कि हिसाब अभी ये कर दे रहा हूं। बोले क्या? बोले आज ही मैं तुमको वचन देता हूं हे चंद्रमा कि त्रेता में रमा अवतार यदि दिन में हुआ है तो त्रेता के बाद द्वापर आएगा और द्वापर में कृष्णा अवतार रात को होगा, बदला ले लेना। बोला महाराज इतना दिन के बाद, ऐसा मैं सुना हूं कि मूलधन के साथ जब तक ऋण लेने वाला ब्याज वापस नहीं करता है वह ऋण नहीं होता, तो यदि मेरा मूलधन आपके पास इतना दिन रहेगा तो बिना ब्याज का आप वापस करोगे? मैं तो सुना हूं कि आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर पाप और पुण्य जितना देर होता है उतने का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर दोनों लौटाते हो। भगवान ने कहा कि भैया मूलधन पहले लिया जाता है और ऋण जो ब्याज है वो बाद में दिया जाता है। 7 बरस के उम्र में मैं तेरा ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज समेत लौटाऊंगा। जिस दिन महारास होगा शरद पूर्णिमा की रात्रि, वह 12 घंटे की नहीं 1 महीने की नहीं होगी,
छह महीने की होगी। और यही कारण है कि महाराष्ट्र शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस दिन आप देखे होंगे खीर वगैरह आप लोग भोग लगाते हैं, चंद्रमा अमृत का बारिश करता है, भगवान ने रासलीला किया है। मास दिवस कर दिवस भा परम रमन जान, नहीं कोई रहस्यमयी अवतार है ना, गोपनीय अवतार है ना। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई, एक महीना तक बधैया चला, जो पावा राखा नहीं कहो। जिसके पास जितनी संपत्ति थी अयोध्यावासियों के पास, वो सब लोग अपना अपना लुटा दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। कांग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को, काघ सुंड संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, असत्य सत्य बोलकर नहीं, हाथ उठाकर उत्तर देना। इसमें जितने लोग बैठे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक कभी भी किसी भी चीज की चोरी न किया हो? जरा हाथ उठाओ तो। अरे राम 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 राम, एको आदमी नहीं है। ये बिलाउर चोरे का गांव है का हो है? अब तो हमें कहने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी ना, ये बेलाउर चोर का गांव है। पंडियों जी नहीं, हमारा नन्हा मुन्ना प्यारा जजमान भी नहीं क्या यार? तू भी चोरी करता है? हकीकत है हम सब चोर हैं, कोई हीरा चोर तो कोई खीरा चोर, बाद बाकी सब चोरे चोर। हम ही लोग चोर नहीं है? जो कल आए ना राघव सरकार राम जी, ये वर्ल्ड लेवल के चोर हैं। आप कहेंगे कैसे? वर्ल्ड लेवल का चोर शब्द आया है इसमें, मानस में शब्द है, लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। विश्व आया है ना, राम जी क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं, चित्त का हरण करते हैं, चोरी करते हैं राम जी। जिसके नजर में नजर हमारे राम जी डाल दें, क्या मजाल कि उसका चित्त उसके शरीर में रह जाए? वो पागल हो जाता है। जनकपुर में जब राम जी का विवाह हो गया था, दूल्हा समधी बाराती सब भोजन कर रहे थे, सखियां सब गाली दे रही थी छत पर से माइक में, गरी हा जानी दूल्हा के,
अरे हवन बाण धीर हो गरी हरी राजने दूल्हा के हवन बाण धीर हो बन 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 बन। अभी विवाह थोड़ी हुआ है, अभी तो आज जन्मे हुआ है। जब गाली पे गाली सखी बारिश कर दी गारी की, मारे झड़ी लगा दी, तो वहीं लखन जी बैठे थे। धीरे से राम जी को इशारा किया, भैया ये देख रहो गाली पे गाली दिए जा रही है, कोई चमत्कार करो। राम जी ने कहा कि कैसे करूं, बाएं विश्वामित्र जी, दाहिने वशिष्ठ जी महाराज, और सामने दशरथ जी महाराज। बोले आप क्या वर्ल्ड लेवल के चोर हो, जो हाई एजुकेटेड चोर होता है, हाई लेवल का जो चोर होता है, पॉकेट भी मार लेता है, पता भी नहीं चलता है। भाई चोर अपने कला में निपुण है तो उसकी सफाई तो होनी चाहिए ना। आप कैसे वर्ल्ड लेवल के चोर हो। राम जी ने वशिष्ठ विश्वामित्र और दशरथ के नजर को चुरा कर अपनी नजर किस सखी के नजर में डाला, जो सखी माइक पर बहुत गाली गा रही थी उसके नजर में राम जी ने नजर डाली। और जो ही डाली कि राम के रूप निहारत ही सखी भूल गई सुधि गावन गारी, अब भूल गई अवधे सको नाम, देन लगी मिथिले सको गारी। जो दशरथ के नाम ले लेके गाली गा रही थी ना, वो जनक जी का नाम लेकर ही सखियां गाने गाली। तो राम जी तो वर्ल्ड लेवल के चोर है। जिसके बारे में आप सुने हैं कि चोर है, भगवान के बारे में चोर नाम लेने पर भगवान में किस भगवान का स्मरण होता है, कन्हैया का, कृष्ण भगवान का। क्या चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, वो सबसे छोटे चोर है। राम जी सबसे बड़े और कन्हैया सबसे छोटे। अब छोटा और बड़ा चोर का मापदंड क्या है। जो केवल बेलाउरे में चोरी करता हो घूम घूम, वो सबसे छोटा चोर। लेकिन जो बिहार से उत्तर प्रदेश में भी जाता हो वो उससे बड़ा चोर। और जो वर्ल्ड लेवल भारत से अन्य कंट्री में भी जाता हो वो वर्ल्ड लेवल हुआ, सबसे बड़ा चोर। तो इंटरनेशनल माफिया हमारे राम जी हुए। और कृष्ण भगवान तो सबसे छोटे चोर हैं। ब्रज मंडल के बाहर कन्हैया ने कहीं चोरी नहीं किया है, 11 वर्ष तक चोरी किए हैं कन्हैया, जब तक ब्रज में निवास है। और जब मथुरा गए तो चोरी करना छोड़ दिए, यानी केवल अपने गांव में ही चोरी किए, माखन की चोरी किए। और जिस गोपी का माखन चुरा के कन्हैया नहीं खाते थे, वह गोपी दिन भर अन्न की बात कौन करे, जल का एक बूंद भी नहीं लेती थी। क्यों, ये गोपियां गोपियां नहीं है, ऋषि रूपा है, ऐसे वेदों की श्रुतियां हैं जो ब्रजमंडल में गोपी बनी है। कन्हैया माखन नहीं चुराते थे, अनेक जन्म चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अनेक जन्म संचित पाप चौरम चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
जिस गोपी के घर जाकर कन्हैया माखन चुरा के खा लेते थे, उस गोपी के जन्म जन्म जुग जुग कल्प कल्प का पाप ही खाते थे। माखन नहीं, अनेक जन्म संचित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर का पाप। माखन तो केवल बहाना था, माध्यम था। इसीलिए ऋषि रूपा गोपियां जिस दिन कन्हैया आके माखन नहीं खाते थे, न उनको दिन में चैन न रात में नींद आती थी, क्योंकि वो सब जानती थी। तो कन्हैया सबसे छोटे चोर, राम जी सबसे बड़े चोर, तो मझले चोर कौन है? भगवान शंकर। अब वो तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ना, जैसे बेलाउर वाले को प्रणाम देने कोई जरूरत नहीं, भाई प्रमाण की तो जरूरत नहीं। अभी आपने स्वतः स्वीकार किया कि हाँ बाबा हम लोग चोर हैं, वैसे भगवान शंकर भी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। किससे कर रहे? देखो, वैसे कहना तो नहीं चाहिए हमें, उल्टा अर्थ मत लगाना। चोरी करना अपराध है, करना नहीं चाहिए। यदि मन ललच जाए, भाई बागीचे में आम खूब बढ़िया बढ़िया लटका, मन ललच गया, मांगने से मिलने वाला नहीं, तो मैं कहता हूं चोरी करके खा लो। हाँ, खाने के बाद जाके कह दो ये चोरी करके खाया। चोरी करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना चोरी करने के बाद चोरी करके चोरी पर पर्दा डालना पाप है। फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो करेगा उसी को मिलेगा, दूसरे को भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति था, जा रहा था, दिखाई दिया खूब सुंदर आम का पेड़, पका पका आम। कौन देखा आम? कौन देखा? आंख देखी ना, आंख देखी ना, आंख बोली पैर को कि चलो। पैर चल कर गया, तोड़ा कौन? हाथ तोड़ा ना। खाया कौन? मुंह खाया ना, लेकिन मुंह ने रखा नहीं। मुंह रखता है? कहां भेज दिया? पेट में भेज दिया ना। आंख ने देखा, पैर चल कर गया, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा। उसी समय बागीचे का मालिक आया, देख लिया, दौड़ा के मारा एक लाठी पीठ पर। ध्यान देना, मार कौन खाया? पीठ खाई ना। आप कहोगे ना ये भाई पीठ ने तो कुछ भी नहीं किया, पीठ कुछ भी की है, मार कौन खाई? पीठ खाई। पीठ ने कहा कि हमारा दोष क्या है, हम पर क्यों मारा? तो मारने वाले ने कहा कि मारा भले तुम पर, दर्द किसको हुआ? आंसू कहां से निकला? पीठ ने चोट खाई तो रोया कौन? न हाथ रोया,
न पैर रोया, न पेट रोया, न मुख रोया। जो पहला अपराधी था, आंख रोई ना, आंख से आंसू निकलता है ना, पहला अपराध तो आंख ने किया था ना, आंख ही तो देखी थी आम को। तो जो अपराध किया वो परिणाम दुष्परिणाम भुगता ना, रोना पड़ा ना। चोरी करनी नहीं चाहिए, और चोरी यदि हो जाए, कबीर दाजी चोरी करते थे लेकिन वो कह देते थे। कबीर दाजी का नियम था, चोरी भी यदि परमार्थ के लिए हो, ध्यान देना, संग्रह भी यदि परमार्थ के लिए हो, आसक्ति भी यदि परमार्थ के लिए हो, लोभ क्रोध भी यदि परमार्थ के लिए हो, तो अधर्म नहीं है, वह धर्म है। एक दिन में कहा था कि धर्म अधर्म की परिभाषा अस्थाई नहीं होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। कबीर दाजी का नियम था, नित्य अतिथि सेवा करते थे, कथा करते थे, कुछ मांगते नहीं थे, नहीं मांगने वाले को मिलता भी नहीं है। अब रोज अतिथि सेवा, रोज भंडारा, रोज भंडारा सब समाप्त हो गया। पत्नी ने कहा, महाराज अब अतिथियों को निमंत्रण देना बंद कर दीजिए। बोले क्यों, उब गई हो अतिथि सेवा से? अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृत सभ्यता सनातन धर्म का ये मुख्य पाठ है, एक लेसन है। बोले नहीं। बोले क्यों, बीमार हो? बोले बीमार भी नहीं हो। बोले फिर क्यों? बोले अन्न भंडार में एक भी अन्न का दाना नहीं है अतिथियों को खिलाने के लिए। कबीर दास ने कहा, गहने बेच दो? बोले बेच दी। बोले कर्जा ले लो? बोले कर्जा भी ले ली। कर्जा भी लोग उसी को देते हैं जिसके पास देनहीन गरीब को कोई कर्जा देने के लिए भी। अब तो जिस दरवाजे पे जाती हूं दरवाजा लोग देखते ही बंद कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ मांगने आई होगी। बोले देखो भाई, जब तक साधु ब्राह्मण गरीब अतिथि आना बंद नहीं करेंगे मैं बुलाना बंद नहीं करूंगा। झल्लाई पत्नी और कहेगी ठीक है मैं बनाने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले इंतजाम करिए। बोले आज इंतजाम करूंगा। अमावस की अंधेरी रात, कसी लिए, पुत्र और पत्नी को भी लिए, राजा के महल के पीछे जाके ध्यान लगा दिए। पत्नी और पुत्र ने कहा कि ध्यान ही लगाना था तो घर में, घर पूजा वाला घर है, भगवान का पूजा घर है। दो मिनट के बाद कहे कि इसमें सेंध मारो। पहले चोरी होती थी, उसके बाद डकैती, उसके बाद अपहरण, अब क्या हो रहा है? अब तो साइबर चोरी हो रही है, साइबर क्राइम। अब तो एटीएम का वो खुदाई किए। पत्नी और पुत्र हैरान कि दिन भर ये माला फेरते हैं, राम कथा सुनाते हैं, चोरी अपराध है, स्वयं चोरी हम लोग को भी लाए। दो बोरी गेहूं का, दो बोरी चावल का, एक बोरी दाल का, एक पीपा घी का, दो दो केजी मसाला, सब कुछ ले जाके अंतिम खेप जाना था तो कहे कि ठहरो, राजा को जगा देने दो। पत्नी और पुत्र ने कहा कि मरवाना ही था तो अकेले आते। अरे चोरी करने के बाद राजा को जगाओगे तो क्या आपको प्रणाम करेगा, पुरस्कृत करेगा, वो सजाए मौत दे देगा, जिंदा दीवाल में चिनवा देगा, खाद में गड़वा देगा? बोले कुछ भी हो, चोरी किया हूं तो कहना जरूरी है, इसलिए कि मेरे पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अपराध मैं किया और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। यही तो दशरथ जी ने राम जी से पूछा है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, दूसरा दंड से दंडित होगा। जाके राजा को जगाए, राजा उठा, प्रणाम किया। महाराज आप प्रसिद्ध हो चुके थे, कबीरदास साधारण तो थे नहीं।
बोले नहीं नहीं प्रणाम न करो, मैं साधु की भूमिका में नहीं हूं, कुछ समय के लिए मैं चोर की भूमिका में हूं। बोले आप और चोरी क्यों मजाक कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत है, लेकिन चोरी करना मेरा आदत नहीं, शौक नहीं, संग्रह के लिए मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अन्न भंडार में अन्न सड़ रहा है और मेरे अन्न भंडार में साधु सेवा करने के लिए, भंडारा करने के लिए, अतिथि ब्राह्मण गरीब साधु को खिलाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए चोरी करने आया हूं। राजा चरण पकड़ लिया, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसी नरक का अधिकारी। महाराज आज के बाद आपका अन्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। अब ये मत कहना जाके कि बाबा चोरी का ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा मत कहना, नहीं तो कल से लोग कथा में भी नहीं आने देंगे। भाई चोरी करनी नहीं चाहिए, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन किसी कारणवश चोरी हो जाए, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। गलती करना नहीं चाहिए, यदि हो जाए तो सामने वाले के उजागर कर दो, दूसरी गलती करने से बच जाओगे। एक गलती को छुपाने के लिए हम 1000 गलती करते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा गलती कभी सही साबित नहीं होती। एक असत्य को सत्य साबित करने के लिए 1000 सत्य बोलते हैं, लेकिन अंततः वह असत्य कभी सत्य साबित नहीं होता, असत्य ही रह जाता है। वही भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, ए औरों एक कहूं निज चोरी, मैंने एक बार चोरी किया। अपनी पत्नी से कह रहे हैं, पार्वती को आश्चर्य हुआ, प्रभु आप और चोरी का क्या जरूरत पड़ गई थी? आप तो महादानी हो और आपको चोरी करने की जरूरत पड़ गई। भगवान शंकर ने कहा कि अरे चावल का चोरी नहीं किया, गहना जोहरात का चोरी नहीं किया, कपड़ा और आम का चोरी नहीं किया। बोले फिर किस चीज का चोरी किए? बोले राम दर्शन करने के लिए चोरी किया। मैं बूढ़ा, जब पता लगा हमको कि राम जी हमारे इष्ट, जो दुनिया का पालक है, अयोध्या के राजमहल के अंदर कौशल्या के गोद में बालक बन के आया है, तो मैं गया भेष बदल के बूढ़ा बनकर। नहीं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, रज हुई जाई पसान पबारे, इतनी भीड़ थी कि सड़क के बगल में जो इतने बड़े बड़े पत्थर थे, इतनी भीड़ चल रही थी कि रज हुई जाई पसान, पत्थर धूल बन गए थे, इतनी भीड़ थी। अब हम बूढ़ा आदमी ठहरे, जाते थे जोर लगा के, गेट पे जाते थे तो भीड़ फिर सरजू किनारे कर देती थी। तब मैंने एक चोरी किया। चोरी वाली बात बताते हैं भोलेनाथ, पार्वती से कहते हैं कि कर में लिहले पोथी पतरा हो, अरे कर में लिहले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जा तारा से आई गई लेना हो कि आई गई लेना, शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे गई लेना, शिव जी अवध हो नगरिया में आई गई लेना, शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे गई लेना, शिव जी अवध हो नगरिया में आई गई लेना। नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा,
नाम अपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा। देखी बहुतन के मेटावे लगले भरमा, रेखा देखे बहुतन के मिटावे लगले भरमा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा। सोचत रहले भोले बाबा, सोचत रहले भोले बाबा, सोचत रहले भोले बाबा, सोचत रहले भोले बाबा, मिलते के हुन संगी भेटाई गईले ना, शिवजी भेटाई गईले ना, ओही जे कागजी हो बड़ेरिया पर भेटाई रे गईले ना, ओही जे कागजी हो बड़ेरिया पर भेटाई गईले ना, शिवजी अवध हो नगरिया में आई रे गईले ना, शिवजी अवध नगरिया में आई गईले ना। भगवान शंकर रूप बदल कर ज्योतिष हाथ देखने वाले बाबा बन गए। अब सोच रहे थे अकेले हो, कोई चेला मिल जाता, वहीं पर दिखाई दिए कौन, बनेरी पर काग भुसुंडी जी, इशारा किए भोलेनाथ आ जाओ चेला बन जाओ, नजदीक से दर्शन होगा। शिव जी भैले गोरो जी भुसुंडी भैले चेला, शिव जी भैले गोरो जी भुसुंडी भैले चेला, सुन के निखर बतिया लागल बड़का भारी मेला, सुन के निखर बतिया लागल बड़का भारी मेला, सुन के निखर बतिया लागल बड़का भारी मेला, सुन के निखर बतिया लागल बड़का भारी मेला। बात बात में देख देख के, 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 रेखा बहुतन हाथन के बताई दिहलना, हो बताई दिहलना, कितने लोगन के तकदीरिया हो बताई रे दिहलेना, कितने लोगन के तकदीरिया हो बताई दिहलेना, शिवजी अवध हो नगरिया में आई रे गईलेना, शिवजी अवध नगरिया में आई गईलेना। जिसका हाथ भगवान भोलेनाथ देखे, अब समझो कि एक भी बात गलत होगी क्या, बेशुमार भीड़ लगी है। उधर राम जी रोना शुरू किए, उधर राम जी रोना शुरू किए, इतना रोए इतना रोए, मैया दूध दे यूं दूध फेंक दे, खिलौना लावे यूं खिलौना घुमा के फेंक दे, सारे वैद आ गए नाड़ी पकड़ के करें कोई रोग नहीं है, पूरा अल्ट्रासाउंड हो गया एक भी रोग नहीं निकला, बड़ी फेरे में लोग पड़ गए कि आखिर चौथेपन में लल्ला हुआ है और ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, इतना क्यों रो रहा है, कुछ ना कुछ तो कष्ट है ना। तब एक बुढ़िया दासी निकल कर आई, कही कि अरे कौशल्या महारानी, कल बधैया में बड़ी भीड़ थी ना। बोले हाँ,
उसमें कुछ खराब नजर वाली भी आई होगी और लल्ला को टोना कर गई होगी खराब नजर से। इतने सुंदर राघव को देखी होगी, उसकी नजर लग गई होगी। एक बार नजर गुजर भी उतरवा के देख लिया जाए। ये बुढ़िया दासी निकली, हल्ला हुआ था पूरे अयोध्या में। अवध में आदमी एक आयो, अरे बड़ो बूढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। अवध में आदमी एक आयो, बड़ो बूढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। हल्ला हुआ था, एक शंकर नाम का बूढ़ा ब्राह्मण आया है, त्रिकालदर्शी। सीधे जिस गली में भीड़ थी, दशरथ महल वाली गली, सीधे गई वो बुढ़िया दासी। भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी है ना, वो समझ गए। कागभुसुंडी जी देखिए वो आ रही है। कागभुसुंडी जी ने कहा, गुरुजी से मिलने के पहले चेला जी से मिलो, इधर आओ, हमारे गुरुजी इतने हल्के नहीं है, डायरेक्ट परमिशन मिल जाएगा, पहले मेरे से परमिशन हो, बोलो क्या काम है। दासी कहती है कि आपके गुरुजी खाली हाथे देखते हैं कि कुछ नजर गुजर भी उतारना जानते हैं, झाड़ झुपाड़। कागभुसुंडी जी समझ गए। कागभुसुंडी कहा, ओहो, अरे कैलाश पर्वत पर झाड़ झुपाड़ से तो हमारे गुरुजी पीएचडी किए हैं, पीएचडी नया नया खोज रिसर्च किए हैं, कितना लंबा चौड़ा थेसिस लिखे हैं। ये हाथ देखना तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था हमारे गुरुजी का, मेन सब्जेक्ट तो नजरे गुजर है। बुढ़िया कही, ये तो क्या दो दो रुपया लेते हैं, कौशल्या के लल्ला का यदि नजर उतार देंगे ना तो सम्राट महाराज की वह महारानी है, इतना सोना और हीरा और मोती दे देगी कि फिर किसी के सामने ऐसे हाथ तुम्हारे गुरुजी को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इशारा किए कागभुसुंडी जी, काम बनने वाला है। शंकर जी सबका हाथ छोड़ दिए, बोले अरे बाबा 2 रुपया से 10 रुपया ले लो। बोले अब तो 200 रुपया भी दोगे तो नहीं देखूंगा, अब मेरा ब्रांड बन गया है भाई। जब तक ब्रांड नहीं बनता तभी तक तो, ब्रांड जब बन जाता है उसके बाद तो बिना ब्रांड का माल कितना भी बढ़िया हो खरीदार लोग कम होते हैं ना। भले आपकी क्वालिटी सबसे हाई हो लेकिन जब तक मार्केट में ब्रांड नहीं बना है तब तक आपको पूछने वाला भगवान शंकर ब्रांडेड हो गए। अब ब्रांडेड हो गए तो कहे अब 200 भी दोगे तो नहीं। जिस मिशन के लिए यह भेष धारण किया लगता है वह मिशन अब वह लक्ष्य, वह गंतव्य, वह मंजिल हमें मिलने वाली है। सीधे आगे आगे ट्रैफिक क्लियर आए दशरथ महल के अंगना में। अब बढ़िया बढ़िया सोफा लगा था, महंगा महंगा सोफा, और खूब ठाट से बैठे बैठे तो 2 हाथ नीचे चले गए, इतना मुलायम सोफा था। और मारे आया खूब बढ़िया बढ़िया खीर पनीर, रसगुल्ला, रसमलाई, राबड़ी। भगवान शंकर ने कहा राबड़ी बाद में खाऊंगा, बिना काम का मैं भोजन नहीं करता हूं, जिस काम के लिए बुलाई हो जाओ महारानी से कहो लल्ला को लेके आवे। गुरु चेला दोनों भीतर आंगना में गईले, गुरु चेला भीतर दोनों आंगना में गईले, भोजन जा
जल पान भइल ठाट से पूजाइले भोजन जल पान भइल ठाट से पूजाइले भोजन जल पान भइल ठाट से पूजाइले भोजन जल पान ठाट से पूजाइले पंचमहला पे जहाँ कौशल्या कहे कही सुमित्रा राम जी रोना शुरू किए तो लखन कैसे चुप रहे और राम लखन दोनों रोए तो भरत शत्रुघ्न कैसे चुप रहे चारों लल्ला रो रहे थे ना ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अरे मैया लोक के गोदी चढ़ चढ़ी आई गइले ना हो की आई कैले ना चालो भोरा के वो नजरिया आई रे कैले ना चालो भोला के नगरिया में आई कैले ना शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे कैले ना शिव जी अवध नगरिया में आई कैले शत्रुधन कौशल्या कह कही सुमित्रा के गोद में चढ़कर उतरे आए और जब आए हरि और हर हरि मतलब राम हर मतलब शिव शिव और राम हरि और हर की जो ही आंखें चार हुई राम जी जो रो रहे थे शंकर जी का रूप जब देखे तो रुलाई बंद हो गई और किलकारी मार के हंसना शुरू कर दिए कि वाह शंकर जी वाह हमारा दर्शन करने के लिए ऐसा भी आप रूप धारण कर सकते हो लेकिन जो ही हरि और हर की आंखें चार हुई शंकर जी के आंखों से अश्रुपात बहने लगा क्यों इसलिए कि रमा अवतार में शंकर जी के गुरु हैं राम जी और पहली बार गुरु आया है हमारे सामने और मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता राम जी शंकर जी को देखकर हंसने लगे और शंकर जी राम जी को देखकर रोने लगे कौशल्या को पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा सिद्ध है देखने मात्र से ही हमारे लल्ला की सारी बलैया ले लिया नजर उतर गई रोते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया अरे अभी तो केवल देखने मात्र से तेरे लल्ला का रोग समाप्त कर दिया हूं रुलाई बंद हो गई अरे मैया मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार तू अपने लल्ला को मेरे गोद में दे दे मैया भविष्य में तेरा लल्ला कभी रोएगा नहीं यह मेरा आशीर्वाद और वचन रहा कौशल्या लल्ला राम को भगवान शंकर के गोद में डालती इतना रोए हैं भोलेनाथ इतना रोए हैं जल तो था नहीं कि पद प्रक्षालन करे आंसू से बाल राम का पद प्रक्षालित हो गया धीरे से कहा घुसुंडी जी चूटी काटे सारा आनंद तुम ही लोगे पोले खोल दूंगा भाड़े का चेला बना हूं रियल में आपका चेला नहीं हूं शंकर जी ने रोते हुए कहा पोल ना खोलो तुम भी आनंद लो हमको भी लेने दो चरण ले लो तुम और मुखारविंद मेरे गोद में चरणारविंद भगवान शंकर ने बाल राम का काग भुसुंडी के गोद में कर दिया और मुखारविंद अपने गोद में रखे कौशल्या को पूर्ण विश्वास हो गया कौशल्या कहती है बाबा इसमें संदेह नहीं है नजर तो उतार दिया लेकिन मैं सुनी हूं कि तू त्रिकालदर्शी भी हाथ भी देखता है मेरे लल्ला का थोड़ा हाथ देख
भविष्य कैसा होगा, भविष्य दर्शन करने लगे भोलेनाथ। ये जो ही किशोरावस्था को प्राप्त होगा तेरा लल्ला, उसी समय बक्सर वाला एक बाबा आएगा और लेके ताड़का सुबाहु मारिच का वध कराने के लिए चला जाएगा। मैया रोने लगी। चौथे पन में तो लल्ला और किशोरावस्था में ही, वो भी सैर सपाटा करने के लिए नहीं, राक्षसों से युद्ध करने के लिए। अरे बाबा दक्षिणा 10 गुना ले लो, ऐसा अशुभ भविष्यवाणी न करो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, वो बाबा आएगा ले जाएगा 2, लौटाएगा 8। ऐसा कौन सा बैंक है जो तुरंत 4 गुना आपका पैसा करता हो? ऐसा एक बैंक का नाम है महात्मा और परमात्मा। वहां जमा करोगे, उसको दोगे, चाहे तन दो, चाहे मन दो, चाहे धन दो, वो दुगुना नहीं करता है, 3 गुना नहीं करता है, 4 गुना करके वापस करता है। बोले कैसे? अरे जाई के जनकपुर में धनुहा के दूरी है, जाई के जनकपुर में धनुहा के दूरी है, सिया दुलहिनी पाया ससुर के पूजई है, सिया दुलहिनी पाया ससुर के पूजई है, सिया दुलहिनी पाई ससुर के पूजई है, सिया दुलहिनी पाई ससुर के पूजई है। चारों भैया एक घर में, 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 एक बेर बियाह के लीवाई है ना, होली बाई आई है ना, दुल्हन चारी को सुंदरिया लिवाई आई है ना, दुल्हन चारी को सुंदरिया लिवाई आई है ना, शिव की अवधो नगरिया में आई रे गईले ना, शिव की अवधो नगरिया में आई गईले ना, शिव की अवधो नगरिया में आई गईले ना। कौशल्या खुश हो गई, विवाह करके मेरा लल्ला लौटेगा, विश्वामित्र जी ले जाएंगे 2 दुल्हा, लाएंगे उधर से 4 दुल्हा और 4 दुल्हन। कौशल्या अम्बा पूछी, ठीक है बाबा ये तो बड़ा मंगल समाचार तूने दिया, बड़ा शुभ समाचार सुनाया, एक और इच्छा है वो भी बता दे। बोले क्या? बोले मेरा लल्ला राजगद्दी पर कब बैठेगा? भगवान के तो शरीर में सिहरन पैदा हो गई कि यदि राजगद्दी वाला भविष्यवाणी कर दूंगा तो मैया तू आज से हंसना भूल जाएगी, रोना चालू कर देगी, भोजन पानी तेरा सारा बंद हो जाएगा। भगवान शंकर बात को घुमा दिए, कहे कि मैया 80 बरस की अवस्था हो गई है ना, आंखों में कितना पावर वाला चश्मा लग गया है ना, इसलिए अभी रेखा बड़ा में ही है। अरे रेखा बाट में ही अब ही अखिया कम जोड़ बा, रेखा बाट में ही अब ही अखिया कम जोड़ बा, रेखा बाट अब ही अखिया कम जोड़ बा, रेखा बाट में ही अब ही अखिया कम जोड़ बा, आगे वाली लीला के ना ओर बाना छोड़ बा, आगे वाली लीला के ना ओर बाना छोड़ बा, आगे वाली
लागे ना और बाना छोरबा आज वाले लीला के ना और बाना छोरबा पाट पटंबर हीरा मोती पाट पटंबर हीरा मोती पाट पटंबर हीरा मोती पाट पटंबर हीरा मोती बहुत दान दक्षिणा से पुजाई गईले ना हो पुजाई गईले ना पंडित बाड़ा चमत करिया हो पुजाई गईले ना पंडित बाड़ा चमत करिया पुजाई गईले ना शिव जी अवधो नगरिया में आई रे गईले ना शिव जी अवधो नगरिया में आई गईले ना शंकर को बहुत दान दक्षिणा धन धान्य हीरा मोती जवाहरात मिला लेकिन मन नहीं कर रहा है भोलेनाथ को जाने का। जाते जाते भोलेनाथ ने कौशल्या से कह दिया जात बानी अब ही लेकिन बेरी बेरी आई जात बानी बेरी बेरी आई अपन और बबुओ लोके आसारा पुजाई अपन और बबुओ लोके आसारा पुजाई अपन और बबुओ लोके आसारा पुजाई अपन बाबू लोग के आसरा पुदा पार्वती से कह के आपन 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 चोरी वाली बतिया फिर से आई कह लेना हो कि आई कही लेना बन के बानर और मदरिया हो आई रे कही लेना बन के बानर और मदरिया हो आई कही लेना शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे कही लेना शिव जी अवध नगरिया में आई कही लेना शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे कही लेना शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे गई लेना शिव जी अवध हो नगरिया में आई रे गई लेना गिरिजा एक कहूं निज चोरी अपनी चोरी काग भुसुंड संगम दो मनुज रूप जानही नहीं कहो पार्वती से कह के आपन चोरी वाली बतिया जो चोरी किए थे बता दिए पार्वती मुस्कुराई प्रभु जानते हो वो बुढ़िया दासी कौन थी बोले वो दासी थी बोले नहीं प्रभु वह दासी जो बुढ़िया थी ना वह यही दासी थी जब यह दासी देख ली कि मेरे पति देव भगवान शंकर भीड़ में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो यही दासी थी जो आपको जाकर बाहर से अंदर सभी लोग भेष बदल के गए थे सारे देवी देवता कृष्ण जन्म में राम जन्म में भेष बदल बदल के जाते हैं भगवान अब कुछ बड़े हो गए हैं नामकरण संस्कार का समय आ गया चौका लगा वेदी बनी हवन कुंड बना और वशिष्ठ जी को बुलावा गया वशिष्ठ जी आए कौशल्याम्बा अपने लला को नहलाकर धुलाकर नया कपड़ा पहना के श्रृंगार करके दूध पिला के गोद में लेकर सामने बैठी वशिष्ठ जी महाराज ने चंदन लगाया ललाट पर मुखाकृति को देखा और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा हे कौशल्या हे दशरथ ये तुम्हारा लाला
असाधारण नहीं है। सतयुग में श्वेत वर्ण में आता है, द्वापर में श्याम वर्ण में यह आता है और त्रेता में लल्ला राम के रूप में आया है। ये जब हंसता है तो कपोल डिंपल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है कपोल में। ये तुम्हारा बालक साधारण नहीं होगा, भक्तों के भय का हरण करने वाला होगा, ब्राह्मण और साधु का पालक होगा, तुम्हारे प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएगा, एक नया इतिहास बनाएगा, एक समाज में आदर्श स्थापित करेगा। इसके नाम का उच्चारण और आचरण का अनुकरण दुनिया का कोई व्यक्ति करेगा तो वह जगत में पूजनीय और वंदनीय होगा। इसके नाम लेने मात्र से जगत के लोग सुखी हो जाएंगे। सो सुखधाम राम असनामा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जगत की माताओं ने तीन राम को जन्म दिया है और तीनों राम अपने क्षेत्र में अव्वल हुए हैं, बलराम, परशुराम और राम। तीनों ने अपना अलग अलग इतिहास बनाया है, आदर्श स्थापित किया है। बारी आई कैकेयी अंबा की। कैकेयी अंबा अपने पुत्र को नहला धुला कर श्रृंगार करके नया कपड़ा पहना के गोद में लेकर बैठी चौका पर। वशिष्ठ जी महाराज ने चंदन का लेप चढ़ाया, मुखाकृति को देखा और कहा कि तुम्हारा लल्ला साधारण नहीं होगा, राम के चरणों का गुप्त प्रेमी होगा। इसके आचरण का जो अनुकरण करेगा वो संतुष्टि को प्राप्त होगा। और संतुष्टि आप देखे होंगे संग्रह में नहीं है, जो संतुष्टि त्याग में है वह संतुष्टि संग्रह में। ये त्याग का साक्षात प्रतिमूर्ति होगा। अरे राम से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण होगा। ये तुम्हारा बालक इसके आचरण का जो अनुकरण करेगा विश्व भरण पोषण कर जोई। वो शरीर की संतुष्टि पाए चाहे ना, क्षुधा संतुष्ट हो चाहे ना हो, आत्मा उसकी तुष्ट पुष्ट हिष्ट और बलिष्ट हो जाएगी। आत्म संतुष्टि को प्राप्त होगा। जो आत्मा जन्म जन्म जुग जुग कल्प कल्प से भूखी और प्यासी है उसका भरण पोषण भरत के आचरण का अनुकरण ही करेगा। ताकर नाम भरत सहोई। और दुनिया की माताओं ने तीन भरत को जन्म दिया, एक दुष्यंत पुत्र भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, दूसरे भागवत के जड़ भरत और तीसरे कैकेयी नंदन भरत। बोलो भरत जी महाराज की जय। अब बारी आई सुमित्रा की। दो लल्ला को लेकर दोनों गोद में बैठी है। सबसे छोटे का नामकरण करते हैं वशिष्ठ जी महाराज, कहते हैं सबसे जो छोटा लल्ला है ये साधारण नहीं होगा। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिस पर फूल नहीं दिखाई देता है, सीधे फल ही दिखाई देगा, वैसा ही तेरा लल्ला यह होगा। ये कथनी कम करेगा, करनी ज्यादा करेगा। प्राय लोग कैसे मिलते हैं, कथनी ज्यादा करते हैं करनी, लेकिन ये तेरा लल्ला
बोलेगा तो बहुत कम लेकिन करेगा बहुत ज्यादा। रामचरितमानस में शत्रुघ्न लाल जी बोले नहीं है, इनकी ये बहुत है। जब भरत जी के साथ ननिहाल से वापस आए, सब समाचार सुने अकुबड़ी, जब राज पोशाक लेके आई तो हुमक इलाहत तकी कुबर, शत्रुघ्न जी बोले नहीं। लगे घसीटन मार डालते, शत्रुघ्न जी मंथरा को मार डालते, लेकिन भरत दयानी दीदी नहीं छोड़ाई। आज यही कारण है कि मंथराओं की भरमार हो गई है, माताओं में ही नहीं पुरुषों में भी। भाई रावण की मृत्यु हुई, कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, लेकिन मंथरा की मृत्यु हुई कई ग्रंथ में वर्णन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? आज तक वो जिंदा है, तभी तो मंथराओं की बाढ़ आ गई है हर समाज में। ध्यान देना, जो मंथरा का काम करता है ना, एक लालच में दे के जाऊंगा, जो मंथरा का काम करता है उसके पीठ पे कुबड़ होता है। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा जो भी व्यक्ति इस लल्ला के आचरण का अनुकरण करेगा। कौन कौन शत्रु है? काम क्रोध और लोभ। क्रोध की प्रतीका यदि कह गई है वनवास के टाइम, वनवास के पहले कुप भवन में, तो देखो काम प्रताप बढ़ाइए। दशरथ जी को यहां तुलसीदास जी ने अलंकृत किया है इस नाम से। और लोभ है मंथरा। काम क्रोध और लोभ, जहां ये तीनों इकट्ठा हो जाए उसी का नाम कोप भवन है। कोप भवन में तीन लोग इकट्ठा हुए थे, मंथरा बाहर, क्रोध अंदर, काम पीछे से प्रवेश किया। मैं नहीं कह रहा, देखो काम प्रताप बढ़ाई। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, अब भाई बस अगहड़ पर न पाऊ। कौन कौन ये दशरथ हैं जानते हो? जो कोप भवन का नाम सुनते ही इनका पैर उठ नहीं रहा है। ये दशरथ में कितनी शक्ति है? सूरपति बसई बाहबल जाके, जिसके शक्ति से देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी सुरक्षित रहती है, वह आज सो सुनती अरिय गयो सुखाई। पत्नी कुपित है, सुनकर इतना भयभीत हो गए, कोप भवन का नाम सुनते ही भय बस इतना भयभीत हुए, अगहड़ पर ही न पाऊ। किसी पर किसी ने वार नहीं किया है, हां शत्रुघ्न लाल जी ने मंथरा पर वार किया है, लोभ पर वार किया है। बोलो शत्रुघ्न लाल की जय। और तीनों से ज्यादा अलंकार अविश्वमित्रा नंदन को दिए हैं तुलसीदास जी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सारे जगत के आधार तो हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लक्षणों के धाम भी समझ में आ रहा है, राम जी के प्रिय हैं ये भी समझ में आ रहा है। भाई शेष बता रहे तो जगत के आधार तो हो ही गए ना। भाई शेष के सिर पर धरती या धरती पर पूरा संसार, तो आधार तो हो ही गए। लेकिन उदार हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अब लक्ष्मण को कोई कहे उदार,
तुलसीदास जी ने कहा कि उदार की परिभाषा धन जमीन जायदाद को लुटा देना नहीं है, भारतीय संस्कृत सभ्यता सनातन धर्म साक्षात धर्म के लिए जो जीवन को ही न्योछावर कर दे, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और राम के लिए भरत जैसे संत पर भी बाण उठाना था तो ये नहीं देखे कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी लखन लाल को उदार कहते हैं। बोलो चारो भाइयों की जय। अब और कुछ बड़े हो गए हैं हमारे राघव, भरत, शत्रुघ्न, चारों भैया। एक दिन हमारी मां दूध दूध पिला के भगवान को चर्चा आती है, एक बार जननी अनहवाई करी सिंगार पलना पौढ़ाए, एक बार जननी अनहवाई करी सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हे तू किन यश नाना, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हे तू किन यश नाना। एक बार शब्द जहां आता है रामचरितमानस में, वहां से कहानी तुरंत मोड़ लेती है, कुछ विशेष अर्थ लेकर एक बार शब्द प्रकट होता है। जहां एक बार भूपति मनमाहे, एक बार भरि मकर नहाए, जहां भी आप देखेंगे एक बार, आज पहली बार नहीं, ये पहली घटना घटेगी इसलिए पहली बार, वैसे तो नित्य का नियम था लेकिन आज कौशल्या नहला धुला कर राम जी को दूध पिलाकर पलने में लोरी गा के सुलाकर पूजा हेतु की नह स्नाना, स्नान करने के उपरांत आज ठाकुर जी की रसोई अपने हाथों से बनाकर 56 प्रकार का भोग मंदिर में रख दी, तुलसा छोड़ दी, घंटी हिला दी, पर्दा जड़ दी। मन में विचार आया कि आज 56 प्रकार का भोग लगाई बनाई हूं, कोई आइटम छूट तो नहीं गया। जब गई तो क्या देखी, जो लल्ला को अभी नहला धुला के दूध पिला के सुलाई हूं वही लल्ला आके भोग लगा रहा है। दौड़ी कौशल्या कहां पलने में, वहां खर्राटे ले रहा है, फिर दौड़ी यहां उहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यहां उहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यहां उहां दुई बालक मति भ्रम भ्रमित हो गई, दौड़ के जा रही तो पलने में लल्ला राम सो रहे हैं, दौड़ के आ रही है तो ठाकुर के आगे सिंहासन पर जहां भोग लगा हुआ है तीन पैर पर एक हाथ से खा रहे हैं, दोनों पैर एक हाथ से ऐसे बकैया बने हुए, मति भ्रमित हुआ। मां कौशल्या कही कि रात में तो सपना देखा जाता है, दिन में भी सोए हुए सपना, लेकिन चलते हुए सपना तो मैं पहली बार देखी हूं। गोद में उठाई, प्रभु हंस दीन ही मधुर मुस्कानी, मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो मुख खुला, अब मुख जब खुला तो क्या देख रही है, लल्ला राम के मुख में सातो द्वीप नवो खंड दिखाई दिया,
उसमें से एक खंड भारत खंड भी दिखाई दिया। भारत खंड में उत्तर प्रदेश मुख में दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दिखाई दिया, अयोध्या में राजमहल दिखाई दिया, राजमहल में कौशल्या और राम भी, कौशल्या ने राम के मुख में देखा, कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद चेतना आई, अब मां उस भाव से दूध नहीं पिला रही है। भगवान ने पूछा, मां जिस भाव से दूध तू पिलाती थी उस भाव से नहीं पिला रही हो? कौशल्या ने कहा, राम मैं नहीं जानती थी कि सारे जगत को दूध पिलाने वाला मेरे हाथ से दूध पी रहा है। अरे तू तो सारे जगत को दूध पिलाता है, मैं भला तुमको क्या दूध पिलाऊं? भगवान समझ गए कि मां दुखी हो गई है, मां मेरे रहस्य को जान गई है। भगवान ने कहा, मां ये तुम्हारे पूर्व जन्म के तपस्या का फल है, जो समय समय से जन्म लिया तो भी चतुर्भुज रूप दिखाया और यहां भी अपने ऐश्वर्य का दर्शन तुमको करवाया हूं, लेकिन हे मां यह जन कतहूं कहसी सुनवाई, इस रहस्य को किसी के सामने मत बताना, इस गोपनीयता को भंग मत करना, किसी से कहना नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। अब आजकल के हम लोग हैं, अरे राम राम राम, दो चार हजार भीड़ हम लोग के पीछे हो जाती है तो हम लोग अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। दो चार हजार केवल भीड़, भीड़ नहीं वो भाड़े के टट्टू हैं। एक नया पंथ, एक नया धर्म, एक नया रास्ता का निर्माण कर देते हैं। बताओ ब्रह्म क्या कह रहा है? यह जन कतहूं कहसी सुन माई, हम लोग कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब भगवान की आरती उरती मूर्ति उखाड़ो फेंको, मेरी ही आरती शुरू करो। अब कई धर्म आजकल चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, धर्म तो एक ही है सनातन, बात बाकी सब पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है राम, बात बाकी सब पंथ हैं। गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को कबूल करना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, श्रेयस्कर है। आजकल हम लोग गंगा किनारे जाते हैं तो गंगादास, जमुना किनारे जाते हैं तो जमुनादास, नहीं। जीवन में एक सिद्धांत हो, एक पंथ हो, एक संत हो, एक भगवंत हो, आदर सबका करना है हमें, किसी का अनादर नहीं करना है। लेकिन हमारे जीवन में एक ग्रंथ हो, एक संत हो, एक पंथ हो, वही हमारा कल्याण करेगा, और कोई कल्याण करने वाला नहीं है। हाँ आदर हम सबका करेंगे, अनादर किसी संत का नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में एक ही कोई हो। पतिव्रता अनारी, पति मर जाने के बाद भी या जिंदा रहने पर भी देवर को भी खूब मानती है, ससुर को भी मानती है बस, लेकिन पति का दर्जा किसी को, वैसे ही मैं सभी धर्म के धार्मिकों के से आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, ये आप जहां हैं आपके लिए वही सब कुछ है, आप जहां हैं वही सब, आदर सबका करें, लेकिन एक जो स्थान हमारे जीवन में है वो किसी को हम नहीं देंगे एक के सिवाय। आज राम जी कह रहे यह जन कतहूं कहसी सुनवाई, और भाव से यदि भगवान का भोग लगाया जाए तो भगवान आके पाता है,
भगवान वाणी का विषय नहीं है, भगवान कहने और सुनने से परे है, भगवान न कहा जा सकता है उसके बारे में, न सुना जा सकता है, तो फिर किया क्या जाए? अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है। वैसे भोग लगाने की चर्चा, चावल दाल साग जो भी आप घर में बनाते हो, रोज खाते हो, खाते हो, अच्छी बात है। मेरे कहने से कल कर्म करना, स्वाद में अंतर आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अभी 3 दिन और कथा है, न आवे तो हमसे आके कहना। वही चावल, वही क्वालिटी जो रोज बनाते हो, वही दाल, वही साग निकाल कर, ठाकुर जी ना हो तो कैलेंडर के सामने रख देना और उसमें तुलसा छोड़ देना, जल रख देना, 2 मिनट पर्दा कर देना और उसके बाद वो पाना, देख लेना स्वाद में अंतर है कि नहीं। निज अनुभव मैं कहूं खगेसा, केवल इतना करके देखना। परमात्मा, अरे धूप में खड़ा कर दो, बताओ तो धूप कैसा है कोई बता सकता है? छाया कैसी है कोई बता सकता है? लेकिन धूप में खड़े होने वाला व्यक्ति यह बता देगा, भले वो जन्मांध हो, अंधा हो, उसको बताया भी नहीं गया हो कि तुम धूप में हो कि छाए में हो, धूप में खड़ा होते ही वो बता देगा कि मैं धूप में हूं। धूप से निकालकर छाया में खड़ा करोगे जन्मांध को, दोनों नेत्र जन्म से ही नहीं है, वो भी बता देगा कि मैं छाया। जैसे धूप और छाया वाणी का विषय नहीं है, वैसे ब्रह्म भी वाणी का विषय। अब तो टीवी पर लोग समाधि लगा रहे हैं, रे राम राम राम। ब्रांडेड लोगों की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग तो बिना ब्रांड वाले। यदि भाव से खिलाओ तो परमात्मा खाता है, भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भावना, भाव होना चाहिए। सामग्रियों का अभाव परमात्मा से बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन भाव का जहां अभाव होगा वो परमात्मा से अभाव बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया है कौशल्या के मन मस्तिष्क पर। कौशल्या सारी यह घटना भूल गई, अब फिर वैसे ही लाड़ लड़ाने लगी, वैसे ही दुलार, वैसे ही प्यार करने लगी। अब भगवान भाग जाते हैं, दशरथ जी बुलाते हैं, नहीं आते हैं, ठुमुक के प्रभु चल ही। कौशल्या जाती है, पकड़ के लाती है और दशरथ जी के गोद में पटक देती है राम जी को, सोना के कटोरा में दही और भात। दशरथ जी अपने गोद में बैठा के खिला रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई भागि चले किलकत मुख दधिओदन लपटाई। राम जी को भक्ति स्वरूपा कौशल्या लाके भरत जी के गोद में पटक दी, सोना के कटोरा में दही और चावल दे दी, खिला रहे हैं। कितना बढ़िया शब्द चित्रों की झांकी है हमारे रागों की। भोजन करत चपल चित, लेकिन इतु तो उसर पाई, कब भागते हैं जानते हो? जैसे आप लोग करते हो, वही हाल दशरथ जी का है। हमारी माताएं तुलसी जी की आरती उतारती रहती है, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। दुधवा गरम भइल हा कि ना हो? तुलसी महारानी नमो नमो,
तुलसी महारानी। लड़का को दूध पिलाई हो कि नहीं? तुलसी महारानी। ये पूजा है हसब अठाई न फुलाऊ बगालू कहा जाता है ना। आप चाहेंगे गाल भी फूल जाए हंस भी ले, संभव है? हंसोगे तो गाल पचकेगा ना। हसब अठाई की फुलाऊ, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। भक्ति और आसक्ति एक साथ नहीं रह सकती है, अकट सत्य है। अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है, अकट सत्य है। राम और काम, जगत और जगदीश, हाँ जगदीश में जगत रह सकता है। यदि माया छाया है तो शरीर ब्रह्म है। माया यदि छाया है तो शरीर का नाम ब्रह्म है। छाया को पकड़ोगे तो ब्रह्म नहीं पकड़ाएगा, अब ब्रह्म को पकड़ लोगे तो माया स्वतः अपने आप पकड़ा जाएगी। आज दशरथ जी के गोद में से निकलकर कब भागते हैं? इत उत अवसर पाए भाग चले किलकत मुख। जब दशरथ जी राज काज की बात करने लगते हैं, राम जी को खिला रहे हैं, तब तक तो राम जी गोद में बैठे हैं। राम जी पर जब तक दशरथ जी का नजर है तब तक तो राम जी गोद में बैठे हैं, लेकिन राम जी की नजर जब राज काज पे जाती है, इत उत अवसर पाई भाग चले किलकत मुख, उसी समय भगवान को भागने का अवसर हम लोग देते हैं। भगवान भागना नहीं चाहता है लेकिन भाग जाता है। कब? जब हम उसका विस्मरण कर देते हैं तो भगवान हमारे पास रहकर भी गौण हो जाता है। भगवान थोड़े बड़े हो गए, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए चारों भाई, गुरु के महत्ता को बताने के लिए संसार को, गुरु को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संसार के दृष्टि में। गुरु गृह गए पढ़न, अल्पकाल कुछ ही समय में सारी विद्याओं में राम जी पारंगत हो गए। अरे जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसके श्वास श्वास से वेदों के ऋचाओं का निर्माण होता हो, उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता? तुरंत सारे विद्या में पारंगण हुए, वापसी हुई, और वापसी हुई तो यहीं से दो जोड़ी तुलसीदास जी ने बनाया है, राम लखन की और भरत शत्रुघ्न की। किसी ने पूछा कि जोड़ी तो समरूप और समगुण वाले की होती है, भाई दोस्ती आप लोग किसे करते हैं? रूपता में भी एकता हो और गुण में भी एकता हो, एक रूप हो एक गुण हो। अब चोर और साधु का कभी दोस्ती होता है? नहीं होगा। एक दुर्जन एक सज्जन एक साथ रहते हैं? नहीं रहेंगे। इसलिए तुलसीदास जी को क्रांतिकारी संत कहा गया। समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि प्रभु बाबा ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी क्यों बनाए, भरत और शत्रुघ्न की क्यों जोड़ी बनाए? राम जी सांवले, भरत जी गोरे, राम जी शांत सौम्य, लखन जी उग्र, राम जी सोच समझ कर निर्णय लेने वाले, लखन जी तत्काल निर्णय लेने वाले। वही स्थिति सेम भरत
और शत्रुधन की है। हुमगिलात तक कुबर मारा, अभी सोच ही रहे थे तब तक वो प्रहार शुरू कर दिए। तुलसीदास जी ने कहा कि हमें समाज में प्रकाश लाना है, जो जन्म जन्म जुग जुग कल्प कल्प से अंधेरा बसेरा बनाकर अपना डेरा जमाए हुआ है, ये बल्ब कब जलेगा? जब ठंडा और गर्म दोनों तार लगेगा तब ना बल्ब जलेगा। अगर गर्मे गर्म जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ठंडे ठंडे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा। आजादी उत्सव चल रहा है, 26 जनवरी आने वाली है। आजादी केवल गांधी के सत्याग्रह से नहीं मिली, सत्याग्रह भी एक मुख्य भूमिका था इसमें संदेह नहीं है, लेकिन यदि सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद नहीं होते तो आज हमारा भारत देश आजाद वो यदि एक गाल में दूसरा काल करते थे तो सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही भूभाग हो, एक ही प्लॉट हो और उसमें पहले से कुआं हो और दूसरा कुआं खोदाया जाए तो ये तो मूर्खता कही जाएगी ना। अरे कोई परमार्थ करना ही चाहता है कि नहीं कुछ हमारे तरफ से भी यहां कर दीजिए जिसे शीतलता प्राप्त हो, तो बुद्धिमान का व्यक्ति है का काम है। उस प्लॉट में पहले से यदि कुआं है तो उसमें एक पेड़ लगा दे, यदि कुआं का जल पीकर आंतरिक ठंडक तो पेड़ के छाया में बैठकर शरीर का ठंडक। आप यो देखे होंगे नरिया खपड़ा का मकान कैसे होता है, एक ऐसे और दोनों ऐसे हो जाए तो एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगा ना। आप उधर छोड़िए, एक ही अक्षर है 63 और 36, विपरीत दिशा में तुरंत 63 कितना महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मैं समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूं, राम के शांति और सम्यता का है तो उसमें आवश्यकता है। कुम्हार आप देखे होंगे जब घड़ा बनाता है तो अंदर प्रेम का प्रतीक है बायां हाथ और दायां हाथ प्रताड़ना का प्रतीक है। यदि प्रेम ना दे तो भी घड़ा तैयार नहीं होगा और ऊपर से पिटाई ना करे दबाव ना दे तो भी घड़ा तैयार नहीं होगा। दोनों जरूरी है, प्रेम और प्रताड़ना दोनों नहीं दिया जाएगा। यदि राम प्रभाव हैं तो लखन दबाव हैं। प्रभाव की भी जरूरत है और दबाव की भी आवश्यकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मैं विपरीत प्रकृति विपरीत रूप विपरीत गुण के दोनों लल्ला की दो जोड़ी बनाई, राम लखन भरत शत्रुघ्न। अभी पढ़ लिख के घर पे आए हैं और जब आए हैं तो परिवर्तन देखा गया, रूपांतरण हुआ। किसमें? रूप में नहीं। क्रांति आई किसमें? रूप में नहीं गुण में। देखो सत्संग का क्या प्रभाव है, गुरु का क्या प्रभाव है, विचार बदल देता है। आपका रूप तो नहीं बदलेगा, विचार में परिवर्तन ला देता है।
कुम्हार था, उसका नित्य का नियम था, शौचिलम बना के कथा में आता था। भाई कुम्हार है ना, मिट्टी का, इन जब सत्संग से गया तो उसके विचार में परिवर्तन हुआ, चिलम छोड़कर सुराही बनाना शुरू कर दिया। यही सत्संग का प्रभाव है। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हुई पिक। अब राम जी गुरु आश्रम से आए ना, तो विचारों में रूपांतरण क्रांति होनी चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए ना, अस्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। इसके पहले ये चौपाई नहीं आई, गुरु आश्रम से आने के बाद चौपाई आती है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। आया सुमामी करही पुरता जा देख चरित हर सही मन राजा। आयसमान पराई पुर राजा देख चरित हर सही मन राजा। इसके पहले नहीं, मैं भी पूछना चाहूंगा भरे हुए पंडाल में बैठे हुए श्रोता से, कितने लोग आए हैं जो नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह, जरा हाथ उठाना। तो हाथ उठाओ, जिसके माता पिता ना हो, सास ससुर होंगे ना हो, हैं? सास ससुर नहीं होंगे तो बगल में कोई अभिभावक होगा ना, बुजुर्ग होगा ना, दादा दादी होंगे ना, बताओ भला। एक दो हाथ उठा है। अरे राम राम राम, मैं पहली बार नहीं आया हूं बेलाउर में, शायद नौवीं बार या दसवीं बार कथा लेके आया हूं। ये हमारा काउंटिंग है, शायद लगभग 9-10 बार कथा लेके, ऐसे तो कई बार आ चुका हूं बीच बीच में कभी काल, और सब लोग भूल गए। नियम भी है, ऐसी भी कमरा हुआ झाड़ू ना लगे तो, मत साहब एयर कंडीशन कमरा हो, कहीं से हवा कहीं से धूप आने के जगह ना हो, फिर भी यदि एक साल बंद कर दो तो क्या होगा, गंदगी भर जाएगा ना। हमारे घर में भी गंदगी भर जाता है, सत्संग का जब तक बुहारू झाड़ू नहीं लगेगा कचड़ा भर जाता है। अब यहां भी भर गया है, साले में तो आया, फरवरी में आया था ना पिछली बार मठिया पर बसंत पंचमी, एक साल के अंदर। चलो कोई बात नहीं, प्रणाम का महत्व समझो, प्रणाम नहीं करते हो। प्रणाम दुर्योधन भी करता था पितामह भीष्म को, और प्रणाम अर्जुन भी करता था, और दोनों को विजयी भवा। अंतर क्या था जानते हो? अर्जुन चरण के पास खड़ा होकर प्रणाम करता था, और दुर्योधन सिर के पास खड़ा होकर प्रणाम, यही अंतर था। फिर भी आशीर्वाद में अंतर नहीं था, इतना अंतर होने के उपरांत भी आशीर्वाद में बिल्कुल समानता, विजयी भव विजयी भव। दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन पूछ बैठा, पितामह आप कौरव के सेनापति हो कि पांडव के सेनापति हो? पितामह भीष्म ने कहा, वत्स ये भी कोई पूछने की चीज है, सारा संसार देख रहा है, मैं तुम्हारे सेना का सेनापति हूं। बोले प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि
कि यदि मेरे सेना के सेनापति हो तो विजय किसकी चाहते हो? बोले ये भी कोई प्रश्न है वत्स? अरे जिस सेना का सेनापति कोई रहता है उसी सेना का विजय चाहता है, और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है वत्स। तुम देख रहे हो रोज 10,000 विरोधियों को मैं मारता हूं, नियम है मेरा। पांडवों के 10,000 सेना को मैं समाप्त कर देता हूं प्रतिदिन, अपने प्राणों से प्रिय पांडवों पर बाणों की बारिश करता हूं, फिर भी तुम पूछ रहे हो? बोले प्रश्न ये नहीं है पितामह। बोले फिर प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि मैं प्रणाम करता हूं तो विजयी भव का आशीर्वाद देते हो, और आपका और हमारा दुश्मन अर्जुन भी प्रणाम करता है तो विजयी भव का आशीर्वाद क्यों देते हो? जब यह बात सुने तो पितामह भीष्म मुस्कुराए और बड़ी गंभीर अवस्था में उत्तर दिए हैं। बड़ा छोटा उत्तर है लेकिन अर्थ उसका बड़ा व्यापक है। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है, वत्स श्राप नहीं होता। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है, वत्स श्राप नहीं होता। एग्जाम्पल में आप विचार करिए, पड़ोसी से लाठी चली, गोली भी चली हो, खूब झगड़ा हुआ हो, और सुबह में कोई चाचा वाला रिश्ता मिल जाए, लाठी जिससे चली हो, गाली गलौज सब शाम को हुआ है, और सुबह उनका चरण छू के प्रणाम करो, क्या चाह कर भी कहेंगे जल जाओ? क्या चाह कर भी कहेंगे कि मर जाओ? कह सकता है क्या? न चाहते हुए भी कहना पड़ेगा आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, खुश रहो, मस्त रहो, कहना पड़ेगा कि नहीं? और प्रत्येक व्यक्ति के जिह्वा पर नीनो सेकंड के लिए सरस्वती का वास और निवास होता है, और उस समय जो कहा जाए वही सत्य होगा। आप देखे होंगे बुजुर्ग लोग कहते हैं, माताएं हमारी जब कुपित होती है तो पति को श्रापित करती है, श्राप देते इनके इनका कमाई में आग लग जाओ। तो वहीं पर सासू बैठी रहती है, क्या कहती है? अरे ऐसा अशुभ ना बोलो, कहती है ना, उमा है ना, वो ममता है, ममता रुकती नहीं है, उमड़ कर सामने, अरे ऐसा ना कहो। क्यों? वो जानती है 24 घंटा में एक प्रतिपल के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जिह्वा पर अच्छे सरस्वती का निवास होता है, और उस समय अच्छा या बुरा जो कहोगे वो पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोलो शुभ बोलो, अशुभ ना बोलो। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है, वत्स श्राप नहीं होता। सुबह सुबह उठकर पहले, उसके बाद धरती को प्रणाम, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अब के बच्चे तो सुबह सुबह कौन कहे, जब नींद खुलती है तो व्हाट्सएप फेसबुक, अरे राम 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 राम, एक एक बजे दो दो बजे मैसेज करता है, अरे राम 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 राम। सुबह सुबह उठकर पहले ये संस्कार है, प्रणाम पर बहुत चीजें हैं। चलो राम जी भी इसके पहले प्रणाम नहीं ना करते थे हो, जब तक वशिष्ठ जी ने पढ़ाया नहीं। भारतीय संस्कृत सभ्यता सनातन धर्म का पहला लेसन क्या है? पहला पाठ मातृदेवो भव, दूसरा लेसन पितृदेवो भव, तीसरा लेसन आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, चौथा अतिथि देवो भव।
ये चार मुख्य लेसन है हमारे भारतीय संस्कृत सभ्यता सनातन धर्म के। आचार करोगे तो चारों पुरुषार्थ प्राप्त करोगे। गुरु की पूजा करो, माता की पूजा करो, पिता की पूजा करो और अतिथि की भी पूजा करो। पूजा करने का मतलब सेवा करो, सेवा करने का मतलब उसके आज्ञा का पालन करो। चार पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। केवल चार ये कर लेने मात्र से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। आयु, यश, बल और विद्या, चारों बढ़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, राम जी पढ़े नहीं थे, अब मैं भी आपके लिए भले एक दिन के लिए हूं, वशिष्ठ तो बन ही गया हूं, पढ़ा दिया। अब मैं पूछना चाहूंगा, कल कौन कौन लोग हैं जो अपने माता पिता, सास ससुर या बुजुर्ग जो भी घर में हो उसको प्रणाम करके आएंगे? जरा हाथ उठाना। तो जेकर हाथ टूट गए लोग है वो मत उठाई, बहुत लोग बिना हाथों के बैठल हो, जेकर हाथ है ना हुई कहां से उठाई है? अभी अब हाथ उठाए रहो, हम देखेंगे कौन कौन हाथ उठा रहा है। लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लाइव चल रहा है, माता पिता देख रहे होंगे कौन कौन हाथ उठाया। कल भी मैं उठवाऊंगा कि कौन कौन प्रणाम करके आया है। कि तब प्रात जगे अरुणोदय से, पहले के लोग क्या करते थे तब, अब नहीं। तब प्रात जगे अरुणोदय से, नित मातु पिता गुरु की पग लागे, नित मातु पिता गुरु की पग लागे। लेकिन अब के लोग, अब मातु पिता न प्रणाम करे, दिन तीन घड़ी के चढ़े पर जागे। पहले तो एक सूर्यवंशी थे, लेकिन अब तो सब लोग सूर्यवंशी हो गया। जब तक सूर्य बेड पर नहीं दर्शन देता तब तक हम लोग कंबल से निकलते। पहले के लोग, तब प्रात नहाई के पूजी हरिहर, गावत वेद पुराण के रागे। सुबह सुबह स्नान करके एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पण करते थे लोग, और रामायण लेके दो दोहाई, चार दोहाई जरूर करते थे। इन अब के लोग, अब फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल पे अब कोई जल नहीं चढ़ाता, अब कोई रामायण नहीं उघाड़ता है। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल पे पोस्ट करने में मति पागे। ऐसा नहीं करना है। आज क्या कारण है कि आपके पास जिस कलर का पैंट शर्ट है, सूट साड़ी है, उसी कलर का सैंडल भी है, उसी कलर का आपका सिंगार भी है, फिर भी शांति नहीं है? बड़ा गुढ़ बस। पहले एक कपड़ा में तीन भाई पहनता था, एक जूता चप्पल में चार भाई का काम चल जाता था। आज जितने कमरे उतनी टीवी, जितने सदस्य उतने मोबाइल, जितने कपड़े उतने जूते, फिर भी
को शांति नहीं है, मात्र एक कारण है, आपके जीवन रूपी झोली में आशीर्वाद रूपी वस्तु की कमी हो गई। आज माता पिता भी आपको आशीर्वाद देने के लिए बड़ा साहस करता है कि अब तो पुत्र है, दूसरे की बात कौन करे। माता पिता भी कहता है कि जब तक मैं दरवाजे पे बैठा रहूं मुंह मत दिखाओ, जाओ दूर। आपका ऐसा आचरण हो गया है कहां से। जो पुत्र माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेता वो दूसरे अग्रज की बात कौन करे। आपके जीवन रूपी झोली में इतने श्राप की भरमार हो गई है, ऐसी बिल्डिंग में आपको चैन नहीं आ रहा, ब्रांडेड कपड़े में चैन नहीं आ रहा, मत बड़ों के आशीर्वाद की कमी है। आयुष्मान करहिं पुरकाजा, देख चरित हरसई, उठते प्रणाम करते कहिए पिताश्री आज सुबह से लेके सूर्यास्त के बीच में क्या कार्य है। जितना दशरथ जी कहते थे उतना ही राम जी करते थे, न एक कम न एक ज्यादा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार, उस पर थोड़ा भी विचार मत करना। घाटा का भी सौदा हो तो विचार मत करना, तुम्हें क्या पता है आगे जाके हो फायदा होगा। सारे अयोध्या वासियों को राम जी ने सील से अपने बस में कर लिया। सारे अयोध्या वासियों के हृदय पर राज करने लगे, सबके आंखों के तारा हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। गाधि तनय मुनि चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निसचर पापी। आपके बगल में बक्सर है, बक्सर का नाम व्याघ्रसर था, अपभ्रंश नाम है बक्सर। बक्सर अर्थविहीन शब्द है, जहां बाघ भी वेदांत के सिद्धांत को लेकर जीवन यापन करते थे। बक्सर साधारण नहीं है, जहां विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की रणभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, हनुमान जी का ननिहाल और वामन भगवान का, इतना विशेषता लेके बक्सर है। यहां पर विश्वामित्र मुनि अपना आश्रम बनाए हैं। भाई महात्मा का काम क्या है, जग करेगा, कथा करेगा, उपदेश करेगा, संदेश देगा, कीर्तन करवाएगा, और क्या करेगा। रावण के त्रास से सारा जगत त्रासित है, उसके अनुचर सहचर आते हैं, जग को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र को चिंता हुई, परमार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है तो संतों की चिंता हो जाती है, और जब वो चिंता होती है, ध्यान देना, स्वार्थ की चिंता जो करता है उसको हम चिंता कहते हैं, अब परमार्थ के लिए जो चिंता करता है उसको हम चिंता नहीं कहते हैं, उसको हम चिंतन कहते हैं। चिंतन करने का मतलब माला लेके फेरना नहीं, ध्यान लगा कर बैठना नहीं। चिंतन का मतलब जितना परमार्थ हमसे हो सके।
और उसके लिए परमार्थ के लिए चिंता करोगे तो वही चिंतन हो जाएगा। देखो चिंता हुई ना, चिंता में किसका स्मरण होता है? संसार का ना। लेकिन विश्वामित्र जी को जब चिंता हुई तो भगवान का दर्शन हो गया। जिस घर को छोड़कर मैं जंगल में आया, वह मेरा आराध्य मेरा इष्ट घर में पैदा हुआ। जिस वंश का त्याग करके मैं बाहर आया, रघुवंश, उसी रघुवंश में वो आया है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। चिंतन हुआ, चिंतन में राम का दर्शन हुआ। यह कब होगा? जब समर्पण होगा। विश्वामित्र जी चाहते तो मारे सुबाहों को मार सकते थे, क्षत्रिय थे, शस्त्र से कितना प्रेम था उनका। लेकिन इनका भाव है कि शस्त्र का त्याग करके अब शास्त्र धारण कर लिया हूं, और ये लोग शास्त्र से बदलने वाले नहीं है, प्रभाव से बदलने वाले नहीं है। दबाव की जरूरत है, शस्त्र की जरूरत है। तो शस्त्र का तो एक बार त्याग कर चुका हूं, इसलिए अब शस्त्रधारी कहां है, वो धनुर्धारी कहां है? जितना चिंतन परमार्थ की चिंता करोगे, उतना चिंता अपने आप समाप्त होगी आपकी, उतना ही भगवान का दर्शन होगा। भाव रखो, अरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, 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 बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर तू क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों तू परेशान हो भैया, फिर तू क्यों परेशान हो भैया, फिर तू क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, राम शरणम मम, राम शरणम मम, we'll be right back.
जो शरणागति प्राप्त कर लेता है भक्त, वो भगवान से उलाहना देता है। एक चेतावनी दिया भक्त ने भगवान को, विश्वामित्र ने राम को, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, 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 नहीं शरणागत तीर हरेंगे, नहीं शरणागत तीर हरेंगे, नहीं शरणागत तीर हरेंगे, नहीं शरणागत तीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, तेरी लाज नहीं तेरी लाज जाएगी, मैं बदनाम नहीं तू बदनाम होगा। होगा विरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा विरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेशन आह भरो तुम, अब राजेशन आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो 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 तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम 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 फिकर फिर क्या करना। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, राम का दर्शन हुआ, मन में एक उलहना, वाह प्रभु वाह, हमको घर छुड़ाकर जंगल बसा दिया और स्वयं घर में जन्म ले लिया। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। क्या मनोरथ कर रहे हैं? बहुविधि करत मनोरथ, यही मनोरथ कर रहे हैं। यात्रा शुरू हुई, मन में मनोरथ है, वाह प्रभु हमको तो घर छुड़ाकर जंगल में घर बनवा दिया और अपने घर में, आपको भी मैं घर छुड़ा के रहूंगा, मेरा घर छुड़ा दिए आपका भी मैं घर छुड़ाऊंगा, यदि मेरा घर नहीं बसाओगे, ये हमारे सुबाहु उजाड़ रहे हैं, यदि मेरा घर नहीं बसाओगे तो तेरा भी घर नहीं बसाऊंगा, लेकिन मेरा घर प्रभु आप बसा दोगे तो आपका भी घर यानी विवाह शर्त रख दी, मेरा उजड़ रहा है घर बसा दोगे तो तुम्हारा भी घर मैं बसा दूंगा, वचन देता हूं। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, थोड़ा भी समय नहीं लगा, दो ही व्यक्ति भगवान के पास पहुंच सकता है, तीसरा कोई नहीं,
श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्रूर और रामचरितमानस का विश्वामित्र, अप्लस क्रूर, जिसके अंदर द्वेष नफरत न हो, जलन और ईर्ष्या न हो, उसी का नाम अक्रूर। अक्रूर जी को भी देखिएगा तो पहुंचने में देर नहीं लगी। और जो विश्व के मित्रता का काम, विश्व कल्याणार्थ अपना जीवन अर्पण कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो, अपने आप को अर्पित कर दिया हो, किसके लिए? विश्व मित्र, विश्व कल्याणार्थ, ये दो व्यक्ति भगवान के पास तुरंत पहुंचते हैं। या तो विश्वामित्र हो या फिर अक्रूर हो। सरजू स्नान करके चले, हल्ला हो गया। दशरथ वाली गली से लोग जाके चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ से कहे, विश्वामित्र का आगमन हो। दशरथ तो थर 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 कांपने लगे। अरे राम 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 राम, यही विश्वामित्र जी हैं। एक बार आए थे तो हमारे पूर्वज को डोम के हाथ बिकवा दिए थे, पता नहीं अब क्या करेंगे। विश्वामित्र जी आए, सम्मान प्रणाम, सिंहासन पर बैठाकर पद प्रक्षालन, आरती रोरी चंदन सब करके तीनों माताओं को बुलाए, प्रणाम, चारों भाइयों को बुलाए। और जब राम जी प्रणाम करने लगे ना, एक टक अपलक विश्वामित्र जी राम के मुखारबिंद को देखने लगे। अब तो और डर गए दशरथ जी। अब आपके घर में फलहारी बाबा गया हो और दीवाल खंड पे बहुत सुंदर दीवाल चित्र लगा हो, बहुत कीमती वो फोटो हो, दुर्लभ हो, और बात आपसे कर रहे हो, हम देख रहे हैं उसको, आपको तो डर लगेगा ना कि घर की जो बहुमूल्य वस्तु है, जो दुर्लभ वस्तु है, ये महात्मा उसी को देख रहा है, कहीं मांग ना दे। ध्यान हटाने के लिए दशरथ जी ने जो नहीं कहना चाहिए वो कह दिया। वचन दे दिए, केही कारण आगमन तुम्हारा, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ हूँ सो कर तैन लावाऊ बारा, कहाँ हूँ सो कर तैन लावाऊ बारा। केही कारण आगमन तुम्हारा, ध्यान हटाने के लिए, लेकिन कहा गया कहूं सो करत न लावाऊ बारा, आपको कहने में देर होगी, मुझे करने में देर, तो प्राण जाई पर वचन न जाई। अब वचन तो दे दिए दशरथ जी ना, विश्वामित्र तो यही खोज रहे थे, ध्यान हटा। कहे कि दशरथ तुम्हारे राज्य सीमा पर यज्ञ कर रहा हूं, और राजा का परम धर्म है यज्ञ संत साधु ब्राह्मण की रक्षा करना, लेकिन तुम नहीं कर पाए, इसलिए अब तुमसे संभव नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। इतना सुनते ही दशरथ के पांव तले धरती सरकने लगी, महल घूमते हुए नजर आने लगा, माथा चकराने लगा। और जो नहीं कहना चाहिए वो भी विश्वामित्र के लिए कह दिए। भी प्रवचन नहीं कहूं बिचारी, अरे ब्राह्मण मांगने के पहले एक बार विचार तो कर लिया होता, चौथे पन पायो सुचारी, अरे मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देउ सहरोसा। गाय पीने के लिए दूध, दूध पीने के लिए गाय मांगो, आश्रम बनाने के लिए धन जमीन जायदाद मांगो, अरे कहो तो इस सिंहासन जो बैठाया हूं ना तुमको अस्थाई दे दूं हरिश्चंद्र जैसा।
लेकिन राम अदित्य नहीं बनेगी गुस्साई, राम को नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा? बोले राम मेरा वस्तु नहीं है, राम ट्रस्टी है। विश्वामित्र ने कहा कि अभी तुम किस बल पे कहा था, कहूं सो करत न लाऊं बारा, अभी अभी तो तुम कहे हो कि आपको कहने में देर होगी करने में देर नहीं, किस विचार से कहा था? अब जब मैं मांग दिया तो कह रहे नहीं दूंगा। बोले विश्वामित्र जी, राम पर मेरा अधिकार थोड़ी है, विप्रधीन सुर संत हित, ये तो ट्रस्टी है राम, और इसको पहले ही मैं दे चुका हूं। दी हुई वस्तु दी जाती है क्या? इसको तो पहले ही मैं जटायु को दे चुका हूं। कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी को भय हुआ कि मेरे से ही प्रतिशोध की भावना में जलकर ये साधु बना है, मैं भी यहां विद्यमान हूं, कहीं ये न समझ जाए विश्वामित्र कि अपने जजमान को इशारा कर दिया हमारी आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए। और इस समय विश्वामित्र की तपस्या चरम सीमा पर, यदि श्राप दे देगा दशरथ को तो मेरे पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने जजमान दशरथ को बचा लूं। इसलिए कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ को समझाया, ठीक है राम पर एकाधिकार तुम्हारा नहीं है, ट्रस्टी तो ट्रस्टी में संत लोग भी तो हैं ना, विप्रधेन सुर संत, चलो कोई बात नहीं, एक ट्रस्टी की इच्छा पूरी करने के लिए सारे ट्रस्टियों का मीटिंग लेना पड़ेगा, ठीक है ये ट्रस्टी हैं, तुम नहीं दो, लेकिन अपना सिंहासन तो तुम्हारे वश में है ना, यदि तुम्हारे पास रखी हुई वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो जो अपना पद है उसका तो तुम त्याग कर सकते हो ना। उसका तो तुम, बोले कौन सा पद? बोले जो पिता का पद है, जो पिता का पद है उस पर रिजाइनेशन मारो, रिजाइन करो और उस पद पर विश्वामित्र को पदासीन कर दो। यही बात वशिष्ठ जी ने समझाया है, यह बात दशरथ को समझ में आ गई। मेरे प्राण नाथ सूत दो, मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता अपना पद तुम मोनि पिता आन नहीं को, तुम मोनि पिता आन नहीं को। आज के बाद पिता के पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं और इस पद पर हे विश्वामित्र जी आपको विराजमान कर रहा हूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम ममुनि पिता आन नहीं कोई का मतलब अब मैं नहीं, आज के बाद आप दोनों पुत्र के पिता हो गए। हकीकत यही है,
मुनि जन धन सर्वशिव प्राणा बाल केली रसते सुख जाना। मुनि जन धन, राम जी किसके धन है? राम को धन बताया गया, किसके? मुनियों के, संतों के धन है। संत का धन संत को अर्पित कर दिए। विश्वामित्र जी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। आज विश्वामित्र जी अपने को सनाथ कह रहे हैं, सनाथ हो गए। विश्वामित्र जी लेकर चल देते हैं राम और लखन को। कहे कि दो रास्ता है राम लखन, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट में कांटा है और लॉन्ग कट बिल्कुल बढ़िया रोड है, उसमें थोड़ा देर होगा, इसमें जल्दी पहुंचेंगे। बोले क्या कांटा है? बोले वही ताड़िका कांटा है, और कोई कांटा नहीं। राम जी कहे कि हम शॉर्टकट चलेंगे, लॉन्ग कट नहीं चलेंगे। शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे हैं, ताड़का का बध हुआ। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। चर्चा आती है कृष्ण की पहली लड़ाई पूतना से और राम की पहली लड़ाई, हनुमान की पहली लड़ाई, ये औरतों से क्यों होती है? भाई कहां तक पूर्ण उचित है? राम और कृष्ण और हनुमान ने बताया है प्रथम युद्ध लड़कर कि ऐ साधक, यदि साधना पथ का तू पथिक बनेगा तो सबसे पहले कामना मुंह फैलाकर तुम्हें ग्रसना चाहेगी, वासना तुम्हें मुंह फैलाकर ग्रस। जब तक वासना के माथे पर पैर नहीं रखोगे तब तक भक्ति से मुलाकात, यहां भी भक्ति से मुलाकात करने चले। पहले ही हनुमान जी भक्ति से मुलाकात करने, वहां भी लंकिनी पहले ही मिल गई। इनको पार करके ही आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। गए हैं राम लखन जी बक्सर में। कहे कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम। यज्ञ शुरू हुआ, हवन शुरू हुआ। तुरंत मारिच उधर से अमंगल द्रव्य लेकर चला। मारिच को बिनफण बाण रामसर मारा, सत योजन का सागर पारा। बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली फेंकनी पड़ती है। राम ने मारिच रूपी छोटी मछली को फेंका सागर के किनारे, क्योंकि उसी सागर के किनारे निवास है रावण रूपी बड़े मछली का। कहे कि रावण ये छोटी मछली का माध्यम बनाकर आ जाना, तेरा भी मैं उद्धार कर दूंगा। देखो परमात्मा परमात्मा का कोप भी कृपा और करुणा भी, दोनों में मुक्ति देता है। कृपा करके भी मुक्ति देता है और कोप करके भी मुक्ति। कोप और कृपा दोनों में एक ही चीज है मुक्ति। हाँ बशर्ते शर्त यह है कोप भी करे तो वो करे और कृपा भी करे तो वो करे। यानी प्रेम भी हम करें तो उससे करें और बैर भी करें तो उसी से करें। ये संसार न प्रेम करने लायक है न बैर करने लायक है। यदि प्रेम भी होगा तो पर बैर भी हो, दोनों दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, प्रेम और बैर दोनों। अब उधर जाऊंगा तो इधर नहीं चल पाऊंगा, दोनों एक ही मंजिल को जाते हैं प्रेम, जबकि बैर तो जल्दी पहुंचता है, प्रेम उतना जल्दी नहीं पहुंचता है, शॉर्टकट रास्ता है। तभी तो जय और विजय ने चुनाव किया। भगवान ने कहा 5 जन्म लगेगा प्रेम करोगे जपोगे तो, लड़ाई लड़ोगे उनकी शिकायत करोगे तो 3 जन्म में। जय और विजय ने कहा प्रभु बैर वाला प्रेम रास्ता ही हमको। राम जी ने जब उसको फेंका तो उधर से कौन चला? सुबाहु चला। अग्नि बाण का अनुसंधान प्रभु से राम ने किया और आकाश में ही जलाकर राख कर दिया।
बोलो विश्वामित्र जी महाराज की जय। विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करवाए, हमारा जीवन भी एक यज्ञ है और इस जीवन रूपी यज्ञ में भी जब तक राम रूपी ज्ञान और लखन रूपी वैराग नहीं आएगा तब तक जीवन रूपी यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। एक यज्ञ पूर्ण करवा के कहे प्रभु अब, बोले कुछ दूरी पर ही राम एक और यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ का नाम क्या है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर की साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देखा मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक देखा मन माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। बक्सर से आगे पद यात्रा शुरू हुई प्रभु श्री राम लखन और विश्वामित्र की। जाते ही एक बहुत बड़ी चार दीवारी जो आधा गिरी हुई है आधा खड़ी है, उसके मध्य में एक बड़ा विराट सुंदर मंदिर है जो खंडहर बन गया है। उसमें बहुत से वृक्ष हैं लेकिन किसी पर बसंत और बहार नहीं है, किसी पर हरियाली नहीं है, सबके पत्ते सूख के गिर चुके हैं, पतझड़ लग चुका है। अरे और नजर से देखे वहां एक भी हरी घास नहीं दिखाई दी। और भी राम जी गौर से देखे वहां एक भी जीव और जंतु चींटी और चींटा भी नहीं दिखाई दिया। हां दिखाई दिया एक चीज बरबसी आकर्षित, बड़ा चमक है, बड़ा लाइट है, तेज आभा प्रभा छिटक रही है, नेत्र ठहर नहीं रहे हैं। उसमें से दिव्य ज्योति भव्य प्रकाश निकल रहा है। एक पत्थर है, एक सल्ला है। विश्वामित्र से पूछे गुरुदेव ये इतनी विशेषताओं को लेकर सल्ला, इसका इतिहास? गौतम नारी श्राप बसउ पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सारा वृतांत यह पतिता है, पति के श्राप से श्रापित है, उद्धार करो राम, इसको पावन करो राम, इसको पवित्र करो राम। ये जड़वत हो गई थी, इसमें चेतना का प्रचार प्रसार करो राम, इसमें चेतना लाओ राम। राम ने कहा गुरुदेव आप कैसे गुरु हो? ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, उसमें भी ऋषि पत्नी है। धर्म तो ये कहता है कि मैं चरण छू के प्रणाम करूं और आप कह रहे हो चरण छुआओ। विश्वामित्र ने कहा राम जो मैं कह रहा हूं वो करो। राम जी को करने की इच्छा नहीं थी लेकिन राम जी की प्रेरणा हुई और प्रेरणा से प्रेरित 49 प्रकार का पवन बहने लगा। उसमें एक प्रकार का पवन आया, राम के चरण के धूली को उड़ाया और ले जाके परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पूंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा। इस प्रकार से बोलो पतित पावन रामचंद्र भगवान की जय। वह सल्ला अहिल्या बन गई और भगवान को प्रणाम की और प्रणाम करने के बाद पहले धन्यवाद किसको दी जानते हो? पहला धन्यवाद गुरु को नहीं दी,
पहला धन्यवाद राम जी को नहीं दी, पहला धन्यवाद अपने पति को दी। कल या परसों में कहा था ना कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है पतियों से तो पत्नी क्या कहती है, वो हे भगवान अब ऐसन महाराज देखो जिस पति ने पत्नी को श्राप दे के पत्थर बना दिया। भाई गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को सल्या बना दिया, लेकिन आज सल्या से जब अहिल्या हुई तो पहला धन्यवाद अपने पति को दे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अरे परम अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह नहीं कृपा नहीं, परम कृपा हे पतिदेव, परम कृपा परम अनुग्रह। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल, भलाई नहीं बहुत बड़ी भलाई हमारी, क्यों आज आप श्राप नहीं दिए होते तो राम का दर्शन पति परमेश्वर होता है, उसकी इच्छा में ही पत्नी की इच्छा होनी चाहिए। मैं दबा के नहीं बोल रहा हूं, नहीं इतिहास साक्षी है। उसी पत्नी का स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास अंकित है जिसने पति को परमेश्वर माना। हिंदुस्तान है, अन्य देश पाश्चात्य देश नहीं है। अब आजकल कुछ भिन्न प्रकार के लोग दिख रहे हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। इतना मैंने धन्यवाद दे रही अपने पति को, और पीछे से कहां पहुंची, गई पतिलोक आनंद भरी। यहां भी दो सूत्र आ रहा है, उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो प्रेम और बैर रास्ता निकलेगा, इन अहिल्या प्रसंग पढ़ेंगे तो फिर दो नए रास्ते आ रहे हैं, प्रयास और प्रतीक्षा। दो ही रास्ता परमात्मा तक पहुंचता है, या तो प्रयास किया जाए या फिर प्रतीक्षा किया जाए। प्रयास के द्वारा विश्वामित्र राम को प्राप्त किए तो अहिल्या, प्रतीक्षा के द्वारा राम को प्राप्त किए। प्रयास अनवरत हो और प्रतीक्षा भी अखंड हो तो मंजिल तत्काल मिलती है, तत्काल मिलती है। विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप है, लेकिन हमारा अध्यात्म अभिशाप के साथ साथ वरदान है। आज ये भी कही, आज वहां कामदेव भी सारे देवता कहेंगे कि कामदेव को यदि श्राप नहीं मिला होता तो हजारों नेत्र से दुर्लभ राम का दर्शन नहीं किया होता। गौतम श्राप परम हित माना। यहां भी मुनि श्राप जो दीना अति भल की ना, और वहां गौतम श्राप परम हित माना। इसलिए मैं कहा था कोप और कृपा दोनों कल्याण करता है, महात्मा का और परमात्मा का। तरण तारण हुआ और तरण तारण के बाद एक नामकरण हुआ पतित पावन। बोलो पतित पावन रामचंद्र भगवान की जय। आमीन। समय विश्राम की ओर है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, रोज रोज देर नहीं करेंगे। ठंडा का समय है, उसमें भी बारिश हो रहा है। कल धनुष धनुर्भंग की कथा आप श्रवण करेंगे, प्रयास में करूंगा। पुष्पाटिका प्रसंग और धनुर्भंग तक
पहुंचने का। कल तो विवाह नहीं हो पाएगा, परसों कर दिया। कल धनुर्भंग विस्तार से हो, पुष्पाटिका प्रसंग। पुष्पाटिका प्रसंग जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का सोपान है। जैसे मानस का भागवत का हृदय दशम स्कंध रास प्रसंग है, वैसे मानस का हृदय पुष्पाटिका प्रसंग है। जीवात्मा और परमात्मा का कैसे मिलन होता है, सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाए। आरती हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे तन मन वारो, आरती उतारो तुझे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग सो पति जग जननी, वाम भाग सो पति जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले है गंगा प्यारी। अर्पण करती दुनिया सारी, अर्पण करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरे आरती उतारो। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार उज्जवल प्रहार, सदा वशंगम हृदयारविंद भवम भवानी दैवम तमाम। त्वमेव माता सुधा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव देव्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।